नैनीताल में आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घोटाले में लिप्त भाजपा सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल स्थित गांधी चौक में गैस सिलेंडर बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया व केंद्र सरकार से जल्द से जल्द इस महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से उत्तराखंड का युवा बेरोजगार हो गया है। जहां एक और चीजों की कीमत आसमान छूती जा रही है, वहीं मध्यवर्गीय परिवार का हाल और भी बदतर होता जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस संगठन के कई दलों ने प्रतिभाग किया, जिसमें महिला कांग्रेस, विधिक प्रकोष्ठ सेवा दल, NSUI यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता इस महंगाई विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए और डबल इंजन की सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, इस समय हमारी प्रदेश की जनता बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है। कोविड दौर के बाद जहां लोगों को राहत की उम्मीद थी, जहां लोग ये मानकर चल रहे थे कि सरकार उन्हें कुछ राहत प्रदान करेगी, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए मदद करेगी, परंतु ऐसा ना होता देख सरकार अगर कर रही है तो लगातार पेट्रोल, डीजल, LPG सबके दाम बढ़ाने का काम कर रही है। इससे तमाम पूरे हर चीज के कीमतों में वृद्धि हुई है। एक गरीब व्यक्ति की आजीविका पर पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था और इनके दाम बढ़ने से वो भुखमरी की कागार पर आ गया है। यह बहुत ही शर्मनाक है और हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द किसी भी प्रकार से जो भी निर्णय ले, परंतु पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में कमी की जानी चाहिए ताकि आम व्यक्ति को राहत मिल सके। नहीं, सब लोग, प्रत्येक कांग्रेसजन का योगदान रहेगा उसमें, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है और काफी समय से लड़ रही है। और हमने तय किया है कि जब तक ये कीमतें कम नहीं करेंगे तब तक लगातार कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर अपने लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहेंगे।